शैतरम बसमीम सलाम्ल आला बकैतम इमाम हुसैन आलाम फ़ोर आलमी चैनल करबला मुक़दसा के ऑनलाइन ट्रांसमिशन प्रोग्राम मारफ़त मंतज़र अजल शरीफ़ में आपकी ख़िदमत में हाज़िर है और हमारे बकिया जितनी भी ट्रांसमिशन हैं उनको आप मुलायजा फ़रमा सकते हैं जादू टी वी रोको टी वी एमज़ोन फ़ायर टी वी और एपल टी वी के ज़रिए से मुंशी आलम बशरीत हजरत इमाम आसराम के णवान से हमारी गुफ्तु का सिलसिला जारी है और जो जैसे आपको पता है कि इस प्रोग्राम में हम मखसूस जो गुफ्तु कर रहे हैं वो मारफत पर कर रहे हैं और जो इस दौर की सबसे बड़ी ज़रूरत है चूँकि ज़ाहिर है कि बग़ैर मारफ़त इमाम ज़माना आलाम की दुनिया से जाना और इस दुनिया को छोड़ना वो जहालत के मुतरदफ है और ज़ाहिर है कि कुरान मजीद में आठ किस्म के लोगों पर अल्लाह सुबहान वाली ने लानत भेजी है और उसमें से एक जो है जैसे कि उस आर्ट में से मुनाफ़ है काफिर है मुशरक है और एक उसमें से जाहिल है तो जहालत एक ऐसा जिसको कहा जाए एक ऐसा मरज़ है कि अगर कोई भी शख्स इस मरस के साथ इस दुनिया से रुखसत हो जाए तो यकीनन अल्लाह सुबहान वाली के नज़दीक वो आदमी गुनहगार है और जहन्म के मस्तक है तो आज जो हमारे साथ शख्सियत मौजूद है फ़्र फ़्र मजहब जाफरिया फ़्र मजहब शिया इमामिया आ, हिंदुस्तान बल्कि अगर कहूँ कि पूरी दुनिया के फ़खर है इस शख्सियत के ऊपर आली जनाब मौलाना आ, मिर्जा यासुब अब्बास साहब इन शज़ीज़ इनसे गुफ्तु का सिलसिला जारी रखते हैं सलामकूँ वरम वक्त किबला खैरियत से हैं इन जी हजूर सब दुआएं सब दुआएं सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ शुक्रिया और खास तौर से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ शुक्रिया कि आपने अपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया इसके लिए मैं अपने पूरी अपनी जानिब से अपने पूरे खानवादी की जानिब से मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी चैनल टीवी फोर का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ बहुत बहुत शुक्रियाबला हम भी आपके नहायत ही शिक्र गुजार है नहाय ही आपके ममनून और मशहूर है कि नहाय ही मसरूफियात के बावजूद आपने इमाम हुसैन आलाम टी वी को टाइम दिया और ज़ाहिर मोमिन को टाइम दिया तो और हम ये इज्जत बख्शी बहुत बहुत शुक्रिया जी किबला अगर इजाजत है तो सवाला का सिलसिला शुरू कर लेते हैं जी जी बिस्मिल्लाह किबला चूँकि हमारा प्रोग्राम जो है वो मारफ़त इमाम ज़माना आलाम के अनवान से हमारी गुफ्तु का सिलसिला जारी है तो सबसे पहला सवाल इसी मरफत के से आपकी खिदमत में पेश करूँगा कि मार फत इमाम ज़माना आलाम से क्या मुराद है देखिए जहाँ तक के मारफ़त की बात है कि जो भी मर जाए और अपने ज़माने के इमाम को ना पहचाने वो जिदालत की मौत मरता है बेशक और इमाम की मार्फत बहुत जरूरी है जी। इमाम इस वक्त परदैब में है परद गैब का मतलब ये नहीं है कि इमाम कहीं परदे के पीछे तशरीफ़ फरमा है और वो हमें देख नहीं पा रहा है बल्कि वो हमें हर आन हर लम्हा देख रहे हैं हमारी हर नकल हरकत पे हजरत की निगाह है बेश और वो तो हर वक्त हर एक के सामने है बस हमारी निगाहों के ऊपर मारेफत का पर्दा पड़ा हुआ है हम उनको पहचान नहीं पा रहे क्या पता कहा उन्होंने किसी मोमिन का बाजू थामा हो किसी से मुलाकात की हो कहाँ गो पर अब हुसैन अलैहिस्सलाम के मजलिस में बैठ के मोमिन के साथ में गिरिया किया हो मगर हम अपने जमाने के इमाम की इस वक्त हम उनको नहीं पहचान सकते क्योंकि हमारे निगाहों को पर पर्दा पड़ा हुआ न के इमाम गायब में है और जहाँ तक के इमामत की बात है हमारे इमाम पूरे हमारे बारह इमाम जिसके लिए रसूलुल्लाह ने कहा कि सयाकूनों बादी असना अशारा खलीफता मेरे बाद मेरे बारह खलीफा होंगे मेरे बाद मेरे बारह सक्सेसर होंगे मेरे बाद मेरे बारह जानशीन होंगे और वो सब कुल के कुल कुरैश से होंगे रसूलुल्लाह ने बारह के नाम भी बताए पते भी बताए और हसब भी बताया नसब भी बताया लकब भी बताया और रसूलुल्लाह ने यह भी फरमाया कि बारवा पुश्त खानाबा से होगा। सुभान और उसका नाम मेरा नाम होगा उसका लकब मेरा लकब होगा उसकी सूरत मेरी सूरत होगी और वो पुश्त खाना काबा से ज़ाहिर होगा और जब वो ज़ाहिर होगा तो इंसाफ की हुकूमत को कायम करेगा इन जमीन को पर हर तरफ अदली अदल होगा क्योंकि आज जो हुकूमतें हैं वो जुल्म के हाथों में हैं शार। शार। तो इंसानियत परेशान है इन शमाना देखेगा और इमाम की मारफत क्या है इमाम को ज़माना उस वक्त पहचानेगा जिस वक्त हजरत आएंगे और हजरत है मासूम और जब मासूम इमाम के हाथ से अदलोासाफ़ होगा तो फिर न किसी को शिकवा होगा न किसी को शिकायत होगी न किसी को मलाल होगा ना किसी को रनज गम होगा हर शख्स फसलें लहलाहा रही होंगी इंसान खुश होगा और यहाँ तक के मैंने सुना है कि एक औरत आ, शाम से चल के मदीने आएगी जवान औरत और जेवर से लदी हुई होगी वो और आलम यह है कि कोई शख्स भी उसके ऊपर निगाह नहीं करके देखेगा ना उसके जेवर के ऊपर ना उसके लिबास के ऊपर इतना अदलो इंसाफ होगा Allah. तो वो अल्लाह की ज़मीन को अदलो इंसाफ से पुर कर देगा Allah. और इंशाल्लाह हमें और आपको और सबको अपने इमाम की मारिफत को समझना चाहिए हमें मारिफत तक रखना चाहिए क्योंकि हमारे इमाम इंशाल्लाह जब आएंगे तभी इंशाल्लाह जमाने में अदलो इंसाफ होगा ये जो आज जमाना परेशान है ये जो आज हर तरफ इंसानियत कर रही है ये जो आज इंसानियत चीख रही है ये जो आज हर तरफ लोगों के रोने की आवाजें जो लोगों को सुनाई नहीं दे रही हैं मगर कुछ जो लोग दर्द इंसानियत रखते हैं वो उसको सुन भी रहे हैं वो उसी वक्त हमेंगी जब अल्लाह की आखिरी हजरत का इनशा जहूर होगा इनशाला जी किबला अगला सवाल आपकी खिदमत में पेश करूँ कि एक जाहिर है कि हमारे इस प्रोग्राम में मोमिन भी काफ़ी सारे सवाल हमें व्हाट्सएप के ज़रिए से और दूसरे सोशल मीडिया के जरिए से भेजते हैं तो काफ़ी दफ़ा ये सवाल तकरार हुआ है कि इमाम जमाना सलाम के हयात तय्यबा पे इस सवाल पर अगर आप वजाहत फरमाएं कि इमाम जमानम की हयात तय्यबा जो उसके जो हालात हैं उस पर अगर आप रोशनी डालें देखिए हजरत की हयात तय्यबा और हजरत के हालात जो हैं वो पूरी तरीके से ज़माने के सामने हैं और इस वक्त जो हमारे जो हमारी गैबत सुगरा और गैबत कुबरा का ज़माना मुख्तसर जमाना उनहत्तर बरस का सिक्सटी नाइन ईयर्स का जो हमारा गैबत सुगरा का गुजरा जिसके अंदर हमारे चार नायब जाते थे और इमाम से मुलाकात करते थे और इमाम से मुलाकात करके वापस आते थे और लोगों के सवालत को लेके जाते थे और उनके जवाब उन तक के पहुँच जाते थे फिर उसके बाद में गैबत कुबरा का ज़माना शुरू हुआ गैबत शगरा का ज़माना तमाम हुआ और वो क्राम हमारे आज तक के उसी दर्श को और उसी जब गबत की अंधेरी रात है उस रात में जो हमारे हमें रास्ता दिखा रहे हैं यह हमारे नायब इमाम हैं और इमाम तो परदा ग़ैब में हैं और हजरत का जो मुख्तसर सा आपके जो वाकयात हैं वो हजरत की हजरत इस वक्त गबत में हैं और जिस वक्त इमाम हसन अस्कर इस दुनिया से तशरीफ ले गए तो उस वक्त आलम यह है कि हमारे इमाम जिनका सिन मुबारक चार बरस का से. वो आते हैं और उनके चचा जाफर जिस वक्त नमाज की इमामत करने के वास्ते खड़े हुए तो इमाम ने उनके अबा को झटका दिया और कहा कि चचा यह हक मेरा है जमाने ने देखा कि इमाम ने खड़े होके किस तरीके से हजरत की जब हजरत शहीद हुए हमारे और आपके ग्यारहवें इमाम तो उस वक्त उनकी नमाज जनाजा पढ़ाई और उसके बाद से हजरत हमारी निगाहों के सामने से उझल हो गए जैसा कि मैंने अभी आपके सामने अर्ज किया कि इमाम हमारी निगाहों के सामने से उझल हैं, मगर इमाम हर लम्हा हर आन हर नफस हमको देख रहे हैं और हमको पहचान रहे हैं मगर हमको भी चाहिए कि हमको ये एहसास होना चाहिए है कि अल्लाह की हजत इस जमीन को पर मौजूद है और वो हमको देख रही है लिहाजा आदमी ये ना सोचे कि इस वक्त दुनिया इमाम से खाली है इमाम से खाली नहीं है क्योंकि ये चांद और ये सूरज चमक रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह की आखिरी हजत मौजूद है ये जो दरख्तों में हरियाली है ये जो जमीन में ठहराव है ये इसी वास्ते है कि अल्लाह की आखिरी हजरत इस वक्त इस जमाने में मौजूद है और जब हजरत का जहूर होगा तो लोग हजरत से मोजात तलब करेंगे और हजरत हर मोजात का जवाब देंगे जब लोग कहेंगे कि हजरत ये मोजा ये मुजजा ये मुजजा तो इमाम सारे मोजात जो हैं उसके जवाब देंगे और लोग लोग एक एक करके हजरत से मोजात तलब करते रहेंगे हजरत उनके जवाब देते रहेंगे फिर यहाँ पर कुछ लोग भी ऐसे हैं जो उस वक्त भी इनकार करेंगे लिहाजा अल्लाह उन सब को सजा देगा इनशाला जो हजरत की गैबत से इनकार कर रहे हैं हजरत के जहूर से और अक्सर ये लोग ये कहते हैं कि गैबत से फ़ायदा क्या है तो सवाल यह है कि कितनी गैबतें इंसान माने बैठा हुआ है इनशाला आगे आपसे गुफ्तगु में अलगर अल्लाह ने चाहा वक्त ने साथ दिया तो इनशाला इस पर गुफ्तु हो जी कबिला एक बहस जो हमारी है वो है इंतज़ार बहस इंतज़ार जैसे आपने फरमाया कि गबत कुबरा का दौर है और इस दौर की कुछ ऐसी हसासीत भी है कि और ये दौर जो है जैसे दूसरे आयमा के दौर से काफ़ी मुख्तलफ भी है चूँकि उस दौर में चाहे मुश्किल ज़रूर थे लेकिन किसी न किसी तरीके से मोमिन इमाम में वक्त के साथ जो जिस दौर के इमाम में वक्त होते थे उनके साथ किसी न किसी तरीके से रबता बरकरार कर सकते थे लेकिन चूँकि आज के दौर में आम शख्स ये काम नहीं कर सकता तो इंतज़ार इंतज़ार का दौर है तो अगर मैं सवाल इस तरह करूँ तो बेहतर होगा कि इंतज़ार इमाम ज़माना आमाम के फ़वाद क्या हैं इस पर अगर आप रोशनी फरमाएँ देखिए बहुत अच्छा सवाल किया आपने इंतजार हमारा है इंतजार में जो कैफ है इंतजार में जो मजा है जी, वो मजा किसी और शय में किसी और चीज में नहीं और अपने अपने नसीब की बात है किसको किसका इंतजार मिले कुछ लोग हमारे इंतजार का मजाक उड़ाते हैं जी, और ये कहते हैं कि ये बारवे का इंतजार करें बे तो रसूलुल्लाह ने भी इंतजार किया अल्लाह अकबर मौला अली का इंतजार किया अल्लाह अकबर इसको किसका इंतजार मिले काबा पर जाते हैं दीवार में शिराफ होता है बीवी आगोश Allah, में बच्चे को लेकर निकलती है अल्लाहब और वो रसूल जिसने कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया वो पहले अली को मांगने के लिए बिन असद के सामने हाथ फैलाए अल्लाह मैं एक शेर आपको सुनाता हूँ हमारे लखनऊ के एक शायर गुजरे मंजर भैया बिस्मिल्लाह अजब शेर कह रहे कि वो फरमाते हैं कैसी दौलत आपकी आगोश में है फातिमा वाह कैसी दौलत आपकी आगोश में है फातिमा मुस्तफ़ा को देखता हूँ हाथ फैलाए हुए सुबह सुबह रसूलुल्लाह हाथ फैलाए हुए इंतजार कर रहे हैं मौला अली का रसूलुल्लाह ने मौला अली का इंतजार किया जाबिर है अंसारी ने इमाम मोहम्मद इंतजार किया ये Allah. पहला इंतजार नहीं है कि हम इंतजार कर तो उसमें जब इमाम मोहम्मद बासलाम का नाम आता है तो जाविर इबन अंसारी भी तशरीफ फरमा है साहबी रसूल है कहा कि जाबिर तुम तो उस वक्त तक जिंदा रहोगे मेरे पाँचवे की इजारत करोगे सुनो जाबिर मेरा नाम उसका नाम होगा मेरा लकब उसका लकब होगा मेरी रफ्तार उसकी रफ्तार होगी सुबह मेरी गफ्तार उसकी गफ्तार होगी जाविर जब उससे मुलाकात हो तो मेरा सलाम उस तक के पहुंचा पूछते हैं कि उम्मत में और इितरत में क्या फर्क जी देखिए बिल्कुल सामने का फर्क है उम्मत उसे कहते हैं जो रसूल को सलाम करे सुबह इितरत उसे कहते हैं जिसे रसूल सलाम कहान जाविर अब्दुल्लांसारी मस्जिद उन नबी में बैठ गए हाथ में तस्बी लेके और इंतजार करने लगे या बाकिरो, या बाकिरो, या बाकि या बाकि बाकिमाम मोहम्मद बाकिर का इंतजार करने लगे और जाबिर इंतजार कर रहे थे लोग जाबिर के इंतजार का मजाक उड़ा रहे थे कल जाबिर के इंतजार का मजाक उड़ाया जा रहा था आज हमारे इंतजार का मजाक उड़ाया जा रहा बेशक बेशक यहाँ तक के जाविर ने देखा कि एक कमसिन शहजादा मस्जिद नबवी में दाखिल हुआ अल्लाह जाविर ने सर पर बंधे अमामे को देखा वाह चेहरे से निकलते हुए देखा सुभान अल्लाह लिबास को देखा रफ्तार को देखा कहा साहबजादे जरा आगे बढ़िए इमाम आगे बढ़े कहा साहबजादे जरा पीछे हटिए इमाम पीछे हटे कहा फिर आगे बढ़िए इमाम फिर आगे बढ़ वो रफ्तार से रफ्तार मिला रहे थे सुभान इमाम ने इल्म से इल्म मिला दिया और हमारे और आपके पांचवें इमाम इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम ने कहा कि जाबिर वो अमानत क्यों नहीं पहुंचाते जो हमारे जद तुम्हारे हवाले की अल्लाह अकबर जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह है अंसारी का इंतजार मुकम्मल हुआ जी। और जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी मस्जिद नबवी में उठते हैं अपने हाथों को टेक के और तो कमसिन शहजादे के पेशानी का बोसा लेते हैं और कहते हैं कि आपके जद ने आपको सलाम कहलवाया है तो इमाम भरी मस्जिद में कहते हैं वही का सलाम अल्ला या अल्लाह अल्ला अल्ला ए, अल्ला ए अल्ला मेरे जद आपके ऊपर भी मेरा सलाम हो अल्ला अल्ला तो यह है जाविर अब्दुल्लाह अंसारी का बेशक रसूलुल्लाह को मौला अली का इंतजार मिला जाविर अंसारी को इमाम इंतजार मिला बेशक और हमको और आपको इमाम मेहंदी का इंतजार है। जब रसूल का इंतजार मुकम्मल हुआ जाविर का इंतजार मुकम्मल हुआ तो इनशा हमारा और आपका भी इंतजार मुकम्मल होगा और अल्लाह की आखिरी हजत ब इनशालादा गैब ऐसी जब आएंगे बेशक तो उस वक्त जमाना खुद देखेगा बेश उनके हाथ में जी। जो परचम है जिसका नाम लिवाए हम हजरत जहाँ भी तशरीफ ले जाते हैं हजरत के साथ वो परचम जरूर जाता है सही। और चत की है, जो है मौला अली के लिए आई थी अल्लाह वो ल्फ़ार भी इमाम के साथ रहती है जुल्फ़ुखार करवटे बदलती रहती है इंतकाम लेने के वास्ते जब हजरत उस फ़ार हाथ फेरते हैं तो झुल्फ़ार करवटे लेना बंद करते और हजरत के लिए अलामत ूर ये हैं इंतजार खत्म होना जी। हमारे और आपके बारहवे इमाम के वास्ते ये है कि जो हजरत यहाँ भी जाते हैं जो परचम उनके साथ रहता है लिवाए हम जी। उसका फरहरा लिपटा हुआ है सही। जब वो फरा खुद ब खुद खुल के हवा में लहराने लगेगा जी। तो उस वक्त हजरत समझ जाएंगे कि अब जहूर का वक्त आ गया है और अल्लाह की हजत हजरत हमारे और आपके बारहवें इमाम इमाम मेहंदी पर फर्जैब को उलट के इंशाल्लाह हजरत का जहूर होगा और इंतजार हमारा आपका खत्म होगा और जमीन अद... इन शाह इन शह जी किबिला इंतज़ार पे बहुत अच्छी गुफ्तु आपने फ़रमाई थोड़ा सा इसको मजीद जो है वो कोशिश करेंगे कि थोड़ी सी आगे ले जाएँ सवाल के ज़रिए से तो अगर मैं सवाल इस तरीके से कर लूँ तो बेहतर होगा कि इंतज़ार इमाम ज़माना आसलम की कैफ़त यानी किस तरीके से हमें इंतज़ार करना चाहिए और इंतज़ार का अजर ववाब इस पर अगर आप वजाहत फरमाएँ देखिए हर वक्त इंसान को तैयार रहना चाहिए है, जी, और हर सुबह यह सोचना चाहिए कि हो सकता है कि आज का दिन हमारे इमाम के जहूर का दिन हो लिहाजा हम जो इंतज़ार कर रहे हैं हमको आपको सबको ये आमादा रहना चाहिए है कि हमें यह दिन हो सकता है हजरत के जहूर का दिन हो लिहाजा हम आप सब कोशिश इस बात की करें कि जब हजरत आए तो हम कोई ऐसा अमल ना करें जिससे हमारे अमल से इमाम को तकलीफ पहुंचे और इमाम को ये हो कि यह हमारा चाहने वाला है इसने यहाँ पर ये जुल्म किया इसने यहाँ पर गरीब को इसने यहाँ पर इसका हक पिया, ये नहीं होना चाहिए बेशक और इंसान को इंसान की मदद करना चाहिए इसलिए हमारा मजहब इस्लाम भी ये बताता है हमारे आइमा का भी तरीका यही है हमारे इमामों का भी तरीका सब कुछ यही है कि इंसान इंसान की मदद करे क्योंकि हम इस वक्त उस दौर से गुजर रहे हैं कि हम बारहवें का इंतजार कर रहे हैं और ये वक्त इंतजार जो है इसमें अजब कैफ है अजब लुत्फ है अजब मजा है मगर कैफ के साथ साथ अगर से हम अपने को बिल्कुल वैसे ही ढाल लें कि हम हमारी नमाजें खजा ना हो हमारी इबादतें हमसे छूटे ना हम दुआएं इस तरीके से करें कि हजरत खुद कहें कि ये हाँ हमारा चाहने वाला है इस तरीके से हम तो करें इसलिए कि मारिफत बहुत अहम चीज है देखिए दे एक चीज है जानना और एक चीज है ना जानना हम नहीं जानते हैं हम अपनी कम इलमी के सबब हम अपनी जिहालत के सबब नहीं जानते बिल्कुल इसी तरीके से कि जैसे एक माँ का कमसिन बच्चा है जो जमीन के ऊपर घुटनिया टेक पे चल रहा है जी। और एक सांप निकलता है तो बच्चा सांप की तरफ बढ़ रहा है उसे मालूम नहीं है माँ दौड़ के उस बच्चे को जल्दी से अपनी आगोश में ले लेती है जी। मामला क्या है कि बच्चा डर नहीं रहा है माँ डर रही है मामला यह है कि जानना और ना जानना बिल्कुल माँ जानती है बच्चा नहीं जानता है जी। वो नहीं जानता है लिहाजा उसकी तरफ बढ़ रहा है माँ जानती है दौड़ के बच्चे को अपने कलेजे से लगा लेती है यही फत का है हम मसल्ले पर हंसते हुए चले जा रहे हैं वजू करते हुए बातें करते हुए मगर जहाँ के ऊपर मार फत होती है वहां के ऊपर चेहरे करता है आलम यह कहता है की ये क्या आलम है कहा कि तुझे क्या बता के हम किसकी सरकार में पेश होने के वास्ते जा रहे हैं यह है का मामला। मारेफत हर शख्स के अंदर पैदा नहीं हो सकती है हाँ हाँ जानते हैं हम भी मगर जानना और क्या जानने वाले और ना जानने वाले क्या दोनों बराबर हो सकते हैं दोनों हरगिज बराबर नहीं हो सकते बिल्कुल जी जी किबला चूंकि आपके मसरूफियात भी ज़्यादा है तो ज़्यादा आपका टाइम न ले आखिर में अगर इमाम हुसैन आलम टी वी के ज़रिए से आप उम्मत के लिए और शिया या हदर करार के लिए कोई मैसेज देना चाहते हैं तो बिसम्ला कीजिए हजूर मैं इमाम हुसैन टी वी चैनल के हवाले से जहाँ जहाँ के ऊपर मेरी ये गुफ्तु इस टी वी चैनल के जरिए से इमाम हुसैन टी वी चैनल के जरिए से सुनी जा रही है और देखी जा रही है मैं तमाम हजरात से यह गुजारिश करूंगा कि आप अपने जमाने के इमाम का इंतजार कर रहे हैं आप कोशिश इस बात की कीजिए कि आपका कोई भाई ये शिकायत ना करे कि हमारे भाई ने उसका हक मार दिया मैं ये मैसेज है मेरा इमाम हुसैन टी चैनल के हवाले से कि आप इंसानियत की मदद कीजिए क्योंकि जो बैत का तरीक़ा था जो अहल बैत का वतीरा था जो बैत ने हमें बताया मौलाए कायनात ने कहा कि तुम अपने मुआरे में उन लोगों को तलाश करो जिन्हें गुरबत खाने न दे गैरत हाथ फैलाने न दे अगर से हर शख्स ये सोच ले तो आज वाकई में इंसानियत जो करा रही है इंसानियत जो भूखी है इंसानियत जो तड़प रही है अगर एक इंसान दूसरे इंसान का हाथ थाम ले तो आज इंसानियत परेशान न हो यही मेरा मैसेज है यही मेरा पैगाम है क्योंकि तो मौलाए कायनात ने कहा है हमारे तमाम अयमान ने कहा है कि तुम उन लोगों को तलाश करो जिन्हें गुरबत खाने न दे गैरत हाथ फैलाने न दे वो तुम्हारे दरवाजे पर नहीं जाएंगे बल्कि तुम्हें खुद उनका दरवा बेशक बेशक जी, जी।, जी।, जी। जी किबिला जी किबला आवाज़ आप समात फरमा रहे हैं जी जी मैं आ रही आ रही जी किबिलायत ही ममनून और मशहूर है इमाम हुसैन आलम टी वी के तमाम अरकान की तरफ से और इमाम हुसैन आलिम मीडिया ग्रुप की तरफ से दिल तो चाहता था कि पूरे प्रोग्राम में आपकी खिदमत में रह सके लेकिन ज़ाहिर है कि आपकी जो मसरूफियात है उसको भी मद रखते हुए इन शर कभी अगर कैसा मुनासिब टाइम रहे कि हमें यह शर्फ हासिल हो कि आपकी खिदमत में रहे तो हमारे लिए बाख्र है और ये हमारे लिए शरफ की बात है हमारे पूरे खान वादे के लिए कि इमाम हुसैन टीवी चैनल ने अपने मसरूफ़ तरीन वक्त में से खुद जैसे हकीर को मौका दिया मैं अपने पूरे खान वादे की जानव से इमाम हुसैन टीवी वी चैनल का खास तौर से इमाम हुसैन टीवी चैनल मीडिया ग्रुप का अपने आगे मंसूरी साहब का तहे दिल से आप तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपने मसरूफ़ तरीन अपना इतना इम्पोर्टेंट टी वी चैनल से और मेरी आवाज़

जी ये तो हमारे साथ फ़्र मिलत जाफरिया जाफरिया हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया के जितने शिया हैं उनके सरमाया हैं किबला मिर्जा यासूब अब्बास साहब और बड़ी अच्छी गुफ्तु ख़ुदा इनके वालद बुजुर्गवार काफ़ी अरसा हो गया दुनिया से रहलत फरमा चुके हैं मिर्जा मोहम्मद अतर साहब खुदा उनको उनके दराजा को बुलंद फरमाए बहुत ही अजीब सा एक सिलसिला है यानी वालदेन के बच्चों की तरबियत में ये एक किरदार होता है और बड़े शख़्सियात के जो बच्चे होते हैं वो भी यकीनन बड़ी फ़िक्र रखने वाले होते हैं तो बहरहाल हमारे लिए बाख्र है कि बेशक दिल तो हमारा ये कर रहा था कि बल्कि हम जब पहली इनसे गुफ्तु कर रहे थे तो हमने यही बताया कि हमारा जो प्रोग्राम है पैंतालीस मिनट का उसमें आपकी खिदमत में रहेंगे लेकिन चूँकि मसरूफियात किबला के बहुत ज़्यादा थे तो उन्होंने फरमाया कि मैं चूँकि इमाम हुसैन आसम टी वी के दावत को और बिलखसूस करबलाए बलाए मुक़दस में यह प्रोग्राम बैन अरमैन होता है तो हम इसको रद्द नहीं कर सकते आएंगे ज़रूर लेकिन वक्त जो है वो हमारा मुख्तर रखा जाए तो हमने किबला की बात को पर अमल करते हुए बहरहाल मुख्तर वक्त में कोशिश की कि उनसे ज़्यादा से ज़्यादा गुफ्तु की जा सके बहरहाल इस प्रोग्राम में हम जो हमारी कोशिश है वो ये है कि वो शख्सियात वो शख्सियात जो कि सरमाया हैं सरमा मिलत है उनको बीत दावत कर दिया जाए और उनसे गुफ्तु की जाए हम यहाँ पर बहरहाल कोशिश ये कर रहे हैं कि इसमें से कुछ एक ऐसी तैदा है जो किा है हौजात इलमिया में पढ़ रहे हैं नजफ़ अशरफ है, है कोमुलदस मशद मुकदस और दूसरे जो हौजात है पूरी दुनिया में वहाँ पर ये ओलामा जो है पढ़ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं तो उनको भी दावत करें लेकिन उनके साथ साथ दूसरे जो हजरात है डॉक्टर्स है या किसी और ज़िंदगी की किसी ऐसे शोबे से ताल्लुक़ रख रहे हैं कि जो कि कोई और शोबा है लेकिन एवाम जमाना अलैहिस्सलाम के उनवान से उसको कुछ ऐसे इलम हासिल हैं और कुछ ऐसी मार्फत हासिल हैं तो उनको भी यहाँ पर हम दावत करेंगे और उनकी इस फ़िक्र को लेंगे कि कम अज़ कम उम्मत को ये पता चले कि यहाँ पर जो है फ़लाँ शख्स है और एक तरीके से उनकी मोरफी हो जाती है और दूसरे जो हमारा मेन मकसद है जो कि जिसको कहा जाए कि जो टारगेट है हमारा वो ये है कि इमाम जमान के मैसेज को पूरी दुनिया तक पहुँचाना पूरी दुनिया तक पहुँचाना हालांकि हमारा तो यह शीह है वो यकीन मारफत से भरपूर बर, है वो उनको मारफत मुकम्मल हासिल है और इसमें कोई शक नहीं लेकिन बहरहाल वो हजरात जो कि ज़ाहिर है कि दुनिया के कुछ कामों में ऐसे ऐसे फंस गए हैं कि जो दुनिया से उनको फुर्सती नहीं हो रही तो कोशिश कर रहे हैं कि हम भी अपना पैगाम उन तक भी पहुंचाएं अलबा हमारी ये ज़िम्मेदारी नहीं है कि किसी के ऊपर ज़बरदस्ती अपने नज़रियात को मुसलत कराना ये हमारी ज़िम्मेदारी कतई तौर तो पर नहीं है हम ये काम नहीं करते और ये कर भी नहीं सकते किसी को हक भी नहीं है ना हमारे मजहब में इस चीज़ की इजाज़त है और ना ही कोई वो है जो भी ये कर रहे हैं सख्तियाँ कर रहे हैं ज़बरदस्ती अपने मजहब को किसी के ऊपर मुसलत कर रहे हैं उनकी भी मजम्मत करते हैं फिर दीन दीन में कोई जबर नहीं है दीन में कोई जबर नहीं कर सकता दीन में जबर हराम है लेकिन हाँ अपने पैगाम को किसी के सामने रखना ये ये चीज ये ऐनी ही दीन है और यही आका सल्लल्लाहु अलैहि सल्ला ने भी यही सुन्नत अपनाई कि अपने जो पैगाम है उस पैगाम को उन्होंने लोगों तक ज़रूर पहुंचाया लेकिन उस पैगाम को कभी किसी के ऊपर ज़बरदस्ती नहीं की जो जंगे हुई हैं वो जंगे भी कुछ आ, ऐसे हालात में हुई है कि वो हालात बगैर जंग के वहाँ पर कुछ हो नहीं सकता था अलबत् मैं आपको बताऊँ कि हमारे एतक़ादात में एक चीज़ है ये ये एतक़ादात इस्लाम में से हैं कि जैसे हज़रत मूसा आलम का दौर आया उनको उन्होंने किस तरीके से भेजा और हज़रत ईसीम को किस तरीके से भेजा मुख्तलफ़ मज़ज़ात के साथ वो आए और एक वसीले के साथ आए कि वहाँ वो उस तरीके से दीन को दीन को वो पहुँचाए जैसे हज़रत ईसी को सबर के साथ भेजा कि आप सबर करें सबर करें और सबर के साथ दीन को पहुँचाएँ और उसी तरीके से हज़रत हज़रत दाऊद को हज़रत दाऊद को उन्होंने शाहनशाही अल्लाह ने दी और कहा इस शहनशाह शाहि के ज़रिए से दीन को पहुंचा दीजिए हज़रत फिर उसका बेटा हज़रत सुलेमान आया सुलेमान को भी यही चीज़ मिली कि आप बादशाह हैं और बादशाही के साथ दीन को पहलाएँ और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्ला को तलवार के साथ भेजा और कहा कि शमशीर के साथ जाके आप दीन को पहुंचाएं तो ये अल्लाह की मर्ज़ियाँ होती है लेकिन शमशीर से कत तौर पर ये मुराद नहीं है कि उन्होंने किसी के ऊपर ज़बरदस्ती की हो कि आप दीन में आ जाएं ये कत तौर पर नहीं है और इसके बहुत सारे जवाब भी हैं जो कि किसी एक वक्त उस इन शुफगु करेंगे मखसूस जो आज के दौर में एक मुख्तल जो लोग हैं जो कि ख़ास उनकी ज़्यादातर कोशिश ये होती है कि लोगों को गुमराह कर सके लोगों को दीन से दूर कर सके तो हम कतई तौर पर उनके लिए आ, उनके लिए जवाब है हमारे पास और अकली जवाब है तो इन अजीज़ कभी भी किसी टाइम पर अगर हमें मौका मिला तो यकीन इसके ऊपर भी गुफ्तु की जाएगी कि दीन जो हमारा है वो किसी के ऊपर ज़बरदस्ती नहीं कर रहा दीन किसी के ऊपर सख्ती नहीं कर रहा बल्कि दीन जो है वो एक, एक फ़ितरत है इंसान की फ़ितरत का तकाजा है अगर अल्लाह सुबहान व तआला ने इंसान को कहा है कि आप जेना ना करें तो जना से मुराद कतई तौर पर ये है कि ये फितरत का तकाजा है कि जना से फसाद उठेगा पूरे माशरे में खराबी होगी बच्चा जो पैदा होगा वो उसके इर्स और मीरास में मुश्किल होंगे और किसी को ये पता नहीं होगा कि मैं किसका बेटा हूँ तो ज़ाहिर है कि इस्लाम में इर्स का मसला भी है तो ये यहाँ पर मुश्किल बनेंगे और दूसरी तरफ से जो आजकल आप देख रहे हैं ज़्यादातर हद हमें यूरोपियन मुल्क में भी यूरोपियन कंट्रीज़ में भी ये चीज़ हमें दिख रही है कि जो मुसलमान तो मुसलमान यानी अगर एक शौहर अपनी बीवी के हक में यानी वो किसी और के साथ मसलन अपना रब्ता कायम करने की कोशिश करे, तो ये पहली वाली बीवी वहां से तलाक ले लेती है तो हमारे पास तलाक का मसला बन रहा है यानी उस मर्द की हल्की सी खयानत से यह तलाक़ यहाँ पे हो जाते हैं तो लिहाजा इस्लाम एक दीन फितरी है ये फितरत इंसानी है फ़ितरत इंसानी का तकाजा है कि आप आ, आ, इस इन कामों को ना अंजाम ना दें अंजाम ना दें इन कामों को और दूसरी तरफ अगर देखा जाए अगर जहां पर नमाज की ताकद की जा रही है तो आजकल के जदीद डॉक्टरों ने यह कहा है कि सुबह सवेरे उठ के सुबह सवेरे उठना नहायत मुहिम है और नमाज शब की जो इतनी ज्यादा ताक़ीद की गई आजकल के डॉक्टर कह रहे हैं कि एक टाइम पे सोना हमेशा रात को मुकम्मल सोना ये नुकसानदेह है दिल की धड़कन जो है वो कमज़ोर हो जाती है दिल की धड़कन में मुश्किल हो जाते हैं हा हार्ट हार्ट पेशेंट हो जाता है इंसान मुश्किल बन जाते हैं तो ये एक बीमारी लिहाजा रात में जो है बेहतर यही है कि कभी उठा करें इंसान और कभी सोया करें तो अल्लाह सुबहान वत ने यहाँ पर जो नमाज शप की जो ताकीद की है वो इसकी एक वजह यह है कि इंसान उठे और वो दिल की धड़कन जो है वो बरकरार रहे कहीं स्लो ना हो जाए वो क्योंकि सोने से एक चीज़ है कि दिल की धड़कन थोड़ी हल्की हो जाती है और वो स्लो हो जाती है तो ये एक दीन दीन फितरी है और इस दीन फितरी में हर चीज़ जो है वो फितरत इंसानी के मुताबिक है कि जहाँ पे अगर नमाज की ताकीद की गई है तो उसमें भी मुख्तलिफ यानी कि सौ किस्म के फ़लसफ़े हैं उसमें वो सब फलसफों को देखना पड़ता है तो जिस चीज़ से अल्लाह सुबहान वाल ने फरमाया है कि इस काम को आप अंजाम ना दें उसमें यकीनन इंसान के लिए बेहतरी है उसमें बहुत बेहतरी है हम लोग कब बीमार होते हैं हम लोग उस इस्लामी कवानी पर की रियायत नहीं करते जब रियायत नहीं करते तो हमारे हालात ऐसे होते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं मैं एक दफ़ा ख़ुद मेरे मताले में हैं मैं इंटरनेट पे देख रहा था तो एक जापानी एक जापानी मुहक़ था कोई वो जापानी दानशमंद और साइंटिस्ट था वो तो उन्होंने कहा कि जब यानी जो हुक्म है हमारे पास जब भी आप पानी पियेंगे खाना खाएंगे या पानी पियेंगे तो अल्लाह का नाम लेके आप खाना और पानी पिए यानी बिस्मल रहीम कहें या दरूद पढ़े अल्ला महमद वाल महमद तो ये सब चीज़ें जो है उसमें जापानी वो जो साइंटिस्ट था उसने लिखा था कि मैंने जब चेक किया जब मैं पानी पीता हूँ अगर कोई बुरा कलमा पानी के ऊपर मैं पानी पीने से पहले कुछ ऐसा कलमा मैं अदा करूँ जो कि ज़्यादा अच्छा कलमा ना हो कोई अच्छी बात ना हो तो पानी को जब मैं चेक करता हूँ तो उसमें पानी में कुछ बुरे असारात आ जाते हैं बहुत अजीब है इंटरनेट पे मौजूद है आप जाके खुद मुलायजा कर लीजिए खुद मुलायजा कर लीजिए वगरना मुझे आप मैसेज कर ले मैं आपको एड्रेस दे देता हूं कि कहाँ पे है ये और उसके अलावा फिर उन्होंने कहा कि जब मैं कोई अच्छी बात कर लेता हूं पानी के ऊपर कोई अच्छी बात कोई भी अच्छी बात चूंकि वो तो मुस्लिम नहीं था मुसलमान वो नहीं था उनने कहा कोई भी अच्छी बात करता हूँ तो उसमें जब मैं फिर पानी की वो असर को चेक करता हूँ तो उसमें अच्छे असर आता होते हैं तो यानी गोया के अल्लाह ने जो यही जो आसारात पानी के ऊपर यकीन आसारात पानी में अच्छी बात से आ सकते हैं और बुरी बात से भी आ सकते हैं यकीनन खाने के ऊपर भी ऐसे ही होंगे तो जब आप बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं तो आजकल के साइंटिस्ट इस चीज़ पे हैं कि उस खाने के अंदर या पानी के अंदर अच्छे असारत पैदा हो जाते हैं और ये इन्होंने चेक भी किया है तो दीन इस्लाम दीन फरी है और ये फितरत इंसानी इंसान का तकाजा है कि वो इस चीज़ को रखेंगे बहुत सारे आ, साल पहले आ, उन्होंने काफ़ी साल पहले किताबें जो लिखते थे तो वो हज़रत अमीरमिन के आ, उससे लोग कहते थे कि जौ की रोटी इमाम इतनी सादा ज़िंदगी गुजारते थे कि जौ की रोटी खाया करते थे लोग ये कहते थे कि भाई गंदम की रोटी नहीं होगी तो जौ की रोटी आज कब आज पता चला कि जौ की रोटी की जो जो फ़वाद है वो गंदम की रोटी से ज़्यादा है यानी ख़ुद मासूम अलैहिस्सलाम की जो सीरत है मासूम अपने ऊपर नहीं करेगा ज़ाहिर है वो नमूना है सरमशक है पूरी दुनिया के लिए पूरे इंसानियत के लिए वो नमूना है तो मासूम का जो जो कौल है जो फ़ेल है वो सब के सब चीज़ें जो है उसमें कौम के लिए और मिलत के लिए और आलम इंसानियत के लिए एक मैसेज है इमाम अपने ऊपर नहीं करेगा ज़ाहिर है कि इमाम जब खाना भी नहीं खाते होंगे इमाम जब वो ज़्यादा खाना नहीं खा रहे आज भी लोग ये कर रहे हैं खाना ज़्यादा खाने से बंदा मर जाता है कोई भूखा नहीं मरता भूखा कोई नहीं मरता लेकिन खाना ज़्यादा खाने से बंदा मर जाता है तो लिहाजा हमें हर चीज़ में इस्लाम को फॉलो करना है और खुद इस गैबत गैबत कुब्र के दौर में गैबत कुब्र के दौर में जो कि ख़ुद इमाम के सच्चे जानशीन अल्लाह के सच्चे खलीफा अल्लाह के सच्चे जानशीन क्योंकि जानशीन अगर रसूल के जानिशीन है तो गोया उसको अल्लाह ही उस चीज़ पे फायस कर रहे हैं इस मनसब इमामत पे, तो अल्लाह के सच्चे खलीफ़ा रसूल के सच्चे जानिशीन, हज़रत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम उसके गैबत कुबरा का दौर है और इस गैबत कुबरा के दौर में हमारी नहायत जिम्मेदारियां हैं नहायत ही जिम्मेदारियां अवला तो इमाम मौजूद नहीं है जाहिर मौजूद नहीं है हम नहीं देख सकते इमाम मौजूद है लेकिन हम जैसे आम लोग उसको दर्क नहीं कर सकते जैसे हजरत ईजी आलाम मौजूद है लेकिन हम उनको दर्क नहीं कर सकते तो बात यह है कि इस दौर में हम लोगों को नहाय ही समझदारी के साथ जिंदगी गुजारनी होगी और समझदारी के साथ साथ समझदारी हमें कहां से आएगी किताब से समझदारी आएगी किताब को हमें देखना होगा और कुछ ऐसे शख्सियात भी मौजूद है इसमें कोई शक नहीं है कोई शख्सियात इस दौर में मौजूद हैं जो कि खुद उनके पास खुदा के मारिफ मारिफ इलाही उनके पास मौजूद है हमें ढूंढना पड़ेगा इन अशखास को जाकर ढूंढना पड़ेगा और यह हमें ऐसे नहीं मिलेंगे ये अल्लाह सुबहान व तआला से तवस्सुल करना पड़ेगा जब आप तवस्सुल करेंगे इन शख्सियात के साथ आपकी मुलाकात हो जाएगी और आपकी तरबियत नफ्स में ये ये लोग होंगे जो आपकी सही तरीके से तरबियत कर सकते हैं तो हमें गोया की किताब कुरान में भी दिक्कत करनी है और अशास के पीछे भी रहना है उनसे हिदायत लेनी है हिदायत करने वाला अल्लाह है लेकिन वसीला ज़रूर है हर चीज़ के लिए वसीले की ज़रूरत है तो इस दौर में चूँकि दौर दौर गैबत कुबरा है तो इसमें हमें अपने मैार को जो दूसरी बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी हमारी है एक जिम्मेदारी मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि हमने हिदायत हासिल करनी है और हर कदम को एहतियात से उठाना है लेकिन ये दूसरी ज़िम्मेदारी कि हमें हर अपने अच्छाई और बुराई का मेार अहले बैत को रखना है हमारे हर अच्छाई और बुराई का मैार जो है वो अहले बैत अलैहिस्सलाम होना चाहिए यानी अगर हम किसी से हम किसी से आ, बेजारी इख्तियार कर रहे हैं तो वो भी इमाम की वजह से होना अहले बैत की वजह से है हमारे किसी के साथ कोई जाति दुश्मनी नहीं है तारीख़ के चौदह सौ साल गुजर गए जो शख्सियात हमारे लिए आज भी मजहब शिया में उनके ऊपर लान की जाती है उनके ऊपर लानत हम भेजते हैं तो वो शख्सियात हमारे जाति तो हमने उनको नहीं देखा है हमने क्या करना है उनको हमने तो देखा भी नहीं है चौदह सौ साल गुजर गए लेकिन चूंकि वो अल्लाह सुबहान व तआला और उनके उनके जानशी हज़रत अमीर अल अमीरमिन रसूल के सच्चे जानशी हज़रत अमीर अल अमोमिन और उसके बाद जो अहल बैत के ऊपर म करने वाले लोग थे और ये तारीख़ में साबित है फ़रीक़ैन की किताबों से साबित भी हैं अगर कोई अपने आप को अंधा बनाने के चक्कर में है तो उसके कोई उसका हम कुछ नहीं कर सकते वो वो अपनी जगह पर रहें लेकिन हमारे लिए साबित है लिहाजा मैार अहलैत है अलब्लाबिल्ला हम हब्बी अल्लाह के लिए रखते हैं जो कि अहल बैत है और बोक्स भी जो है वो अल्लाह के लिए ही रखते हैं चूंकि अल्लाह के खब और बोझ का मैार जो है वह अहिल है तो लिहाजा हम खब भी अल्लाह के लिए करते हैं और बोक्स भी अल्लाह के लिए करते हैं तो लिहाजा इस दौर में जो बंदा भी इमाम ज़माना आलाम के ग़बत का मुनके हम कोशिश करेंगे कि उनको देखा देखे गबत हो सकती है अकली दलील उनके लिए ले आएंगे नकली दलील उनकी कम इलम में हमारे इलम में कमी है लेकिन हम कोशिश करेंगे लामा के तवसत से कोशिश करेंगे हम मा के तवसत से कोशिश करेंगे उनके लिए अकली दलील लेके आए उनके लिए नकली दलील भी लेके आए उनके लिए इमाम ज़माना आलम के हूर को भी साबित कर देंगे कि हाँ ज़हूर हो चुका है इमाम वसिन असकरी आसलम के फर्जंद है उनके लिए ये भी साबित कर देंगे कि इमाम जहूर फरमाएंगे और ये खुद कौल रसूल्लाह से सबित है और कुरान में भी, भी इसके इशारे मौजूद हैं ये भी साबित कर देंगे रजअत को भी साबित कर देंगे अकीदे रजअत को भी साबित करेंगे हर चीज़ को उनके लिए साबित कर देंगे अकल के साथ भी साबित करेंगे नकल के साथ भी साबित कर देंगे लेकिन अगर फिर भी वो ईमान न लाया तो हमें कोई नुकसान नहीं होगा हमें फ़ायदा हो जाएगा फ़ायदा यह है कि हमें जो ख़ुद हमने अपनी कोशिश की है वो हम अपनी कोशिश में तो कामयाब रहे हमने तो अबलागे हक कर दिया अब वो उसकी मर्जी है कि वो ईमान लाए या न लाए उसकी अपनी मर्जी है तो लिहाजा ये इसमें सिर्फ़ या की सिर्फ जिम्मेदारी नहीं है मा की है ज्यादा जिम्मेदारी की है लेकिन ये अवामन्नास की भी ज़िम्मेदारी है हमें हक़ का पैगाम पहुँचाना है बेशक आप खुद पहुँचा सकते हैं तो खुद पहुँचा दीजिए या किसी तरीके से पहुँचा सकते हैं तो उस तरीके और जरिए को उन तक पहुँचा दें तो हमें हर हालत में कोशिश करनी है कि यह अल्लाह सुबहान व त जो हक़ का पैगाम है ये हर जगह तक पहुंच जाए और इमाम हुसैन आलाम टी वी यही कोशिश कर रहा है यही कोशिश है इमाम हुसैन आलम टी वी फोर के जिन मौजुआत के ऊपर गुफ्तु का सिलसिला है वो उन मौजूद को भी पहुँचा दें जो ज़रूरत है और उसके अलावा शहर करबलाए मुक़दसा जो कि पूरी शईत पूरे शेह मजहब की जान है वहाँ पर इस टीवी के ज़रिए से यहाँ ऑनलाइन दुआएं हैं जियारत है और ऑनलाइन तरीके से करबलाए मुकद्दस को तकाया जा रहा है और बहुत ही खूबसूरत तरीके से वो मनाजिर जो कि पूरे के पूरे दुनिया में शिया जो है जिनके दिल नुरानी है वो इस मनाजिर को देखना चाहते हैं तो जो मोमिन यहाँ नहीं आ सकते कर, इमाम हुसैन आसम टी वी करबलाय मुक़दसा से ऑनलाइन उनके लिए ये ख़ूबसूरत मनाजर पेश कर रहे हैं और इन शजीज़ आप भी हमारे हक़ में दुआ कीजिए और हम भी आपके हक में करबलाय मुक़दसा में दुआ गो है और आखिर में वही दुआ करनी चाहिए जो हमेशा हम करते हैं अल्लाज वली कल फ़र्ज